नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि मेरे पास एक और बहुत ही अच्छा कमेंट आया था, इन्होंने कमेंट के अंदर लिखा हुआ है, जलेबी जो हम बनाते हैं, जलेबी को हमने घी में बनाना चाहिए या रिफाइंड में। भाई पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी हम जलेबी बनाते हैं, जलेबी बनाते समय हम उसका मौसम का तापमान देखते हैं, ठीक है, उसके अनुसार ही हम बात करते हैं भाई हमने जलेबी को घी में बनाना चाहिए या रिफाइंड में बनाना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं भाई गर्मियों का टाइम है, गर्मी में हम तकरीबन घी को यूज करते हैं जलेबी में, ठीक है। जिससे क्या होता है, यदि हमने आज जलेबी बना करके रख दी, या सुबह मान लीजिए हमने सुबह जलेबी बना करके रखी और शाम तक वो जलेबी धोली धोली ना पड़ जाए, इसलिए हम ज़्यादातर रिफाइंड में यूज करते हैं। यानी कि गर्मी है तो हम घी के अंदर ही जलेबी बनाएंगे गर्मी के टाइम में, क्योंकि वो घी है वो जमता नहीं, ठीक है। यदि मान लीजिए हमारे पास सर्दियों का टाइम है तो हम रिफाइंड का यूज करेंगे जलेबी के अंदर, ठीक है। ज़्यादा गर्मी है ना, ज़्यादा सर्दी है तो उस टाइम पर, ठीक है, ज़्यादा सर्दी का टाइम है तो रिफाइंड का यूज करने वाले हैं। मान लीजिए काफ़ी सर्दियों का टाइम है, आज हमने सुबह रिफाइंड के अंदर जलेबी बनाई है, ठीक है। आज उस जलेबी को आप घर पे भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दुकान पर लगा लीजिए, ठीक है, इस बात को कहीं पर भी लगा सकते हो आप। आज मान लीजिए हमने जलेबी बना करके रख दी सुबह, ठीक है, उस जलेबी को हम शाम तक भी बेच सकते हैं या कल शाम तक भी बेच सकते हैं। वो जलेबी का कलर में कुछ काफ़ी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि हमने रिफाइंड में जलेबी बनाई है तो इससे क्या होगा, जलेबी वैसी ही वैसी चमक रहेगी, दूसरे दिन भी अच्छी ताज़ा जलेबी दिखाई देगी। क्योंकि यदि हम सर्दियों के टाइम में घी में जलेबी बना देते हैं तो वो जम जाती है, जो घी है उसका वो जम जाता है, उसे दूसरे दिन जलेबी बेचने में या शाम तक जलेबी बेचने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमने घी में जलेबी नहीं बनानी चाहिए सर्दियों के टाइम में, ठीक है। इस प्रकार से हम मौसम के अनुसार ही जलेबी को बनाते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपने हमारी वीडियो जरा सी पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।